हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष शास्त्र फलकथन। जाने सप्तम भाव पति पत्नी के संबंधों पर क्या प्रभाव डालता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव पति पत्नी का भाव भी होता है। गुरु, शुक्र और मंगल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कुंडली में गुरु और शुक्र या दोनों में से एक भी ग्रह पाप प्रभाव में हो तो उसके वैवाहिक जीवन में बाधा आती है। सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो पति पत्नी में किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सप्तम भाव पर अगर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो और शनि राहु मंगल में से एक भी ग्रह सप्तम भाव को देखे तो भी पति पत्नी के बीच विवाद रहता है। सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी और गुरु या शुक्र पर सूर्य मंगल शनि राहु आदि का प्रभाव हो तो पति पत्नी का संबंध विच्छेद होता है। सूर्य अगर सप्तम भाव में होगा साथ में किसी भी पापग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो पति पत्नी की आपस में नहीं बनेगी। लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भावों में से किसी भी एक भाव में मंगल होने से जातक मांगलिक हो जाता है। उसका विवाह मंगलिक से ही करना चाहिए, अन्यथा पूरे जीवन भर पति पत्नी दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है। जब भी किसी की कुंडली में गुरु या शुक्र में से कोई भी एक ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.